हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस चैनल में आपको डेली 3 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं BPSC 4.2 सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसमें कि NCERT का जो चैप्टर वाइज है क्लास 11 का, आपका चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दिया गया है। आप उसको जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। और दोपहर के 3 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड टेट सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे UPPGT सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हर एक एग्जाम के जो सिलेबस अकॉर्डिंग नोट्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। सारे नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। आज से हम लोग एक अपना नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और वो जो नया सीरीज़ है वह हमारा है UPPGT का क्लास। ठीक है, तो आज हमारा क्लास नंबर 1 है। आप लोग सिलेबस देख लिए होंगे। UPPGT के अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको नवंबर दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा कि एग्ज़ाम आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका फॉर्म फिलअप तो ऐसे आपका 2019 या 2020 में करवाया गया था, तो फिर से नए स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने का कि नहीं, ये जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसी के बाद ही आपको पता चलेगा। और इसका जो एग्ज़ाम है वो मे बी आपको जनवरी फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आज का जो क्लास 1 है, क्लास 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अलग आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाकर क्लास को देख सकते हैं। क्लास 1 में हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। किस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, इस तरह से सिस्टमेटिक वे में करते हुए हम लोग कंप्लीट सिलेबस को अपने कवर करेंगे। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के चरणों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो थिंकर महोदय आते हैं उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। मैं बोर्ड पे आपको लिखते जा रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, या फिर आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें कंप्लीट आपका नोट्स लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहले जो थिंकर है वो है वीर स्टीड महोदय। कौन है वीर स्टीड महोदय? इन्होंने क्या लिखा है कि समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत छोटा है। ऐसा इन्होंने वीर स्टीड महोदय ने क्यों कहा कि अगर हम बात करें तो हमारे समाज की, तो प्राचीन काल से ही ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे उसका अपना एक सभ्यता नहीं हो, जिसका कि अपना समाज नहीं हो, तो जिसका कि लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद है। प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी उसका हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं मौजूद है, इसलिए उसके बारे में हमको सही प्रकार से जानकारी नहीं है। लेकिन जो 100 या 150 साल पहले से तक हमें उसका लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, तो इन सभी का लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इतिहास है वो छोटा है। तो ये कथन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसने कहा है, तो आपके वीर स्टीड महोदय ने कहा है। और जैसा कि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समाजशास्त्र, जिसका कि आपका शब्द होता है, आपको क्या बोला जाता है, सोशियोलॉजी। क्या बोला जाता है? सोशियोलॉजी। ठीक है, जो कि दो शब्दों से मिला है, वो दो शब्द कौन है, सोशियस प्लस लोगस। ठीक है, सोशियस का मतलब हो गया समाज और लोगस का मतलब हो गया अध्ययन। सोशियस और लोगस जो है, सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था, मिल महोदय ने क्या कहा था, ये भी एक समाजशास्त्री है, कि समाजशास्त्र जो है ये दो भाषाओं की अवैध संतान है, क्योंकि एक भाषा लैटिन से लिया गया, एक भाषा ग्रीक या यूनानी से लिया गया,
इसलिए इन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र क्या है, तो ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्ट जी, ठीक है। इनका इन्होंने समाज शास्त्र ये जो शब्दावली दी है कब दी थी, तो 1838 में। कौन से अवस्था में दी थी, तो उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अवस्थाओं के अगर बारे में बात की गई थी, तो समाज शास्त्र का जो अवस्था है, इसके जो विकास के चरण हैं या फिर इसका जो उत्पत्ति हुआ है, इसको टीबी बॉटोमोर, कौन, तो टीबी बॉटोमोर साहब ने इसके चार अवस्थाओं के बारे में बात की है। कितने अवस्थाएं बताई हैं, इसकी चार अवस्थाएं। प्रथम जो अवस्था है, प्रथम अवस्था, ठीक है, वो कहाँ की थी, तो वो यूरोप की थी। प्रथम अवस्था में, इस चरण में, प्राचीन यूनान के जो दो विचारक थे, कौन कौन थे, अरस्तु और आपके प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने अपने विचारधारा व्यक्त की थी। प्लेटो जो थे उनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक और अरस्तु की पुस्तक का नाम है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने तत्कालीन सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और पहलुओं का अध्ययन करते हुए वे जो समाज की पारिवारिक जीवन है, रीति रिवाज है, इसके रहन सहन है, इसका स्त्रियों की स्थिति कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। और इसमें अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसके संदर्भ में बताया, एक विचार प्रस्तुत किया कि नहीं, समाज के बारे में हमें और विस्तृत ढंग से जानना चाहिए, तो इसके लिए एक अलग विषय की आवश्यकता है, क्योंकि समाजशास्त्र जो था वो पहले सभी विषयों के साथ जुड़ा हुआ था, तो एक अलग सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत है ताकि हम समाज को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र के एक विकास का चरण इसका हमें देखने को मिलता। जो सेकेंड अवस्था है, द्वितीय अवस्था, द्वितीय जो अवस्था है, इसका अगर कार्यकाल बोला जाए तो छठी शताब्दी देखने को मिलता है। कितनी, छठी शताब्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी तक ये द्वितीय अवस्था का कार्यकाल है। और इस कार्यकाल में जो सामाजिक घटनाएं हैं या फिर जो सामाजिक समस्याएं हैं, उसका तार्किक ढंग से सोचा जाने लगा कि क्या, क्यों ऐसा जो घटना हुआ है, किस कारण से हुआ है। इसमें जो प्रमुख जो थिंकर थे वो थे थॉमस एक्यूने तथा दांते महोदय, इन्होंने इसमें बात की। और इसी अवस्था में संस्कार नामक संस्था की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। इसमें महसूस किया गया तार्किक ढंग से, पहले तो सिर्फ अरस्तु और प्लेटो महोदय ने सोचा कि हाँ, समाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समाज के अंदर घटित हो रहा है, ये सभी चीज़ों की जानकारी चाहिए। द्वितीय अवस्था में तार्किक ढंग से सोचा जाने लगा। तृतीय जो अवस्था आई, थर्ड जो स्टेज आया, थर्ड स्टेज कब से था, तृतीय अवस्था ये था आपका 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। इसमें सेकंड अवस्था में तार्किक ढंग से सोचा जाने लगा, इस अवस्था में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाने लगा। और इसमें रूसो महोदय आते हैं, जिन्होंने समाज की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से जाने लगा। सर थॉमस मूर ने दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया अपनी पुस्तक यूटोपिया में। मॉन्टेस्क्यू महोदय ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के स्पष्ट प्रभाव को समझने का प्रयास किया। वीको महोदय ने द न्यू साइंस में सामाजिक संस्थियों के उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की। और माल्थस महोदय ने जनसंख्या संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, ठीक है। एडम स्मिथ ने आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में बात की, क्योंकि वो एडम स्मिथ जो थे वो कौन थे, तो प्रथम अर्थशास्त्री थे। तो थर्ड स्टेज में तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाने लगा। फोर्थ जो स्टेज है, जो चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था में आपका समाजशास्त्र के जो जनक थे अगस्त कॉम्ट, उनका जन्म हुआ, ठीक है। और उन्होंने समाजशास्त्र के विकास के वास्तविक अवस्था के, इसी में बोला जाता है कि समाज का जो विकास हुआ है वो सही ढंग से इसी समय ही हुआ है। और इसके लिए उन्होंने समाजशास्त्र की जो उद्भव हुआ है, इसके लिए दो प्रमुख घटनाओं के बारे में बात की। पहला तो उन्होंने बोला कि समाजशास्त्र के उद्भव के लिए औद्योगिक क्रांति, कहाँ की औद्योगिक क्रांति, तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति,
इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जिम्मेदार है? और दूसरा, फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की जो राजनीतिक क्रांति थी वो जिम्मेदार है? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो 1750-60 में। और जो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति है वो कब हुई थी? तो 1789 में। और इसमें इसके फलस्वरूप समाज का विभिन्न पक्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी का अध्ययन किया जाने लगा। और अगस्त कॉम्ट जो थे वो किससे प्रभावित थे? उनके जो गुरु थे सेंट साइमन, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उन्होंने सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया और उन्हीं को सिद्धांत को और आगे कौन बढ़ाए? तो अगस्त कॉम्ट बताएं, ठीक है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि 1838 में उन्होंने रचना की थी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें उन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में विस्तृत व्याख्या की। तो हम लोगों ने आज देखा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके विकास के विभिन्न चरण कौन थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समाजशास्त्र के क्षेत्र देखेंगे, एक विषय के रूप में ये शुरुआत कहाँ से हुआ, अमेरिका से होते हुए भारत ये कैसे पहुँचा, ठीक है, इन सभी को हम लोग कवर करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपकी कोई भी क्वारीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।